साई प्रणाम सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सदर सांसद ने विकास भवन परिसर में उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति विरासत का फीता काट कर किया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अधिक से अधिक युवाओं को करेंगे जागरूक। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर सदर सांसद ने कहा पागल हो गए, बड़का इंजेक्शन लगवाने की है जरूरत। जनपद पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में गुम या खोए हुए 51 एंड्रॉइड मोबाइल फोन को सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल की सहायता से किया गया बरामद। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सदर सांसद ने केक काटकर बालिकाओं को दी बधाई। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में जिला सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न। क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी जानकारी, कहा अयोध्या जाने वाली बसों का किया जा रहा रूट डायवर्जन। अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित नगर निगम की करोड़ों की जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। भारत जोड़ो यात्रा पर सदर सांसद ने कहा कि यह पुलिस की टांग तोड़ यात्रा। सीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा फॉग सेफ्टी डिवाइस के माध्यम से पैसेंजर्स मेल व मालगाड़ी ट्रेनों का किया जा रहा संचालन। और शीतलहर के बीच विजिबिलिटी हुई कम, गलन व ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उत्तर प्रदेश दिवस पर विकास भवन परिसर में जिला प्रशासन गोरखपुर तथा सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति विरासत का शुभारंभ सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम के दौरान परिसर में ही लोकल फॉर वोकल के तहत लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का सदर सांसद ने संबंधित अधिकारियों के साथ अवलोकन कर स्टॉल पर मौजूद लोगों से उनके उत्पादों के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। वहीं विकास भवन में स्थित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा गया। साथ ही विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की। सांसद जी के फोटो के साथ होर्डिंग लगवा दीजिए ना विकास खंडों पे। राम लला जन्मे और कान्हा की ये पावन भूमि है। कान्हा की पावन भूमि है, रामा की पावन भूमि है। राम लला जन्मे और कान्हा की ये पावन भूमि है। जहाँ गुरुवर गोरखनाथ की अखंड जले ये भूमि। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला व सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। बहुत उत्तर प्रदेश दिवस पे मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। इस राम राज्य का पहला वर्ष कह सकते हैं, जहाँ पर सनातन आज़ाद हुआ, धर्म आज़ाद हुआ, प्रभु राम अपने घर विराजे और उत्तर प्रदेश प्रभु राम की कृष्ण की धरती, ये भगवानों की धरती है। यहाँ पर जिस हिसाब से पूज्य महाराज जी राज्य सरकार अपने एक सरकार चला रही, जो हिसाब से अयोध्या में रोज़ 3 से 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, प्रशासन संभाल रहा, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। इसी को राम राज्य कहते हैं। जहाँ हिंदू भी आज आनंदित है, तो यहाँ दूसरी बिरादरी मुसलमान भी आनंदित है।
दंगे नहीं होते हैं। तो आज ऐसे इस दिवस पर, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर, मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, जो सौहार्द जो आप लोग बनाए हैं, जो संयम रखे हैं आप लोग प्रेम का, वो रखे रहें और हम लोग एक साथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ भारत को विकसित भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को पूरा करें, उत्तर प्रदेश ये निर्णय ले, साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, शांति से हम लोग इसी तरह राम राज्य के साथ प्रभु राम के चरित्र को अपनाएंगे। प्रभु राम एक चरित्र थे, कैरेक्टर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम उनको कहा जाता था, उसी लिए आज उनको 5000 साल भी बाद उनको पूजा जा रहा है। तो ऐसा, और मनुष्य अवतार में थे, तो ये चरित्र अपनाना है कि क्यों राम, प्रभु राम की पूजा होती है, उस चरित्र, इस कैरेक्टर की पूजा क्यों होती है जिन्होंने धरती पर मर्यादा शब्द लाया था। तो मर्यादा को लेके हम लोग उत्तर प्रदेश एक वचन लें कि आज स्थापना दिवस पे कि इस उत्तर प्रदेश को, जहाँ पे एक बीमारू प्रदेश कहा जाता था, इसको एक गौरव प्रदेश बना के $1 ट्रिलियन पूज्य महाराज जी मोदी योगी जी के डबल इंजन सरकार के साथ हम लोग आगे बढ़ें और पूरा देश विश्व कहे अरे बा हो ये उत्तर प्रदेश वाला बड़ा, अरे यूपी में का बा, यूपी में एकदम सौहार्द बा, प्रभु राम बाड़न, यूपी में सब बा, यूपी में बाबा बाड़न। उत्तर प्रदेश दिवस का जो ये कार्यक्रम है ये 3 दिन तक चलेगा, 24 से लेकर 26 तारीख तक। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी विकास खंड हैं हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे, जैसा शासन का निर्देश है कि 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक हर विकास खंड की जितने भी हमारी सरकारी बिल्डिंग हैं और निजी व्यक्ति हैं उनको भी प्रेरित किया जाए कि सभी लोग उसको लाइटिंग वहाँ पर रहनी चाहिए, क्योंकि जैसा सबको पता है 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था उसके उपरांत ये निर्देश सभी जनपदों को शासन स्तर से जारी किए गए हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कल परसों तक ये अलग अलग हमारे विकास खंडों में और जनपद में अच्छे रूप से मनाया जाएगा और 26 जनवरी के दिन जो हमारा रिपब्लिक डे है उस दिन इसकी क्लोजिंग भी होगी और 26 जनवरी के प्रोग्राम के साथ साथ ये प्रोग्राम भी हमारा चलता रहेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला प्रशासन की तरफ से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ने के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा, साथ ही विभिन्न संस्थाओं व विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, कल बेसिकली जनपद स्तर पे राष्ट्रीय नेशनल वोटर डे हम लोग मना रहे हैं सेंट एंड्रयूज कॉलेज में। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जो वोटर्स हैं उसको हम लोग जागरूक करें, जो 18-19 नए वोटर्स बने हैं उनको हम लोग जो अपकमिंग इलेक्शन हैं उसमें ये वोट दें, उसके लिए प्रेरित करें और जो नए वोटर्स हमारे संभावित हैं उनको भी हम लोग टच करें और उनको हम लोग इनरोल कर सकें। बेसिकली वोटर डे का यही आइडिया है और इसी में हम लोग अपना रोल प्योरिफिकेशन के लिए भी लोगों को जागरूक करते हैं ताकि जो लोग छूटे हुए हैं, जो महिला बहन हमारी छूटी हुई हैं वोटर बनने से, उनको हम लोग इनरोल कर सकें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठा पर दिए गए विवादित बयान पर सांसद रविकिशन शुक्ला ने कहा कि यह पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं, मुझे लगता है कि वह पागल हो चुके हैं और उन्हें बड़ा वाला इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उनके नेताओं को तो हिंदुओं से नफरत थी, इन्हें भी नफरत है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा देश खुशी के आंसू बहा रहा था और यह इस तरीके की विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। बड़का वाला इंजेक्शन के तुरंत मिले के चाहिए और आगरा के पास एक बड़ा अच्छा अस्पताल है। देश उस दिन खुशी के आंसू निकाल रहा था, ये ऐसा बोल रहे हैं इनको हिंदू से इतनी नफरत है। इन लोगों इनके नेताओं को तो थी, वो तो पता है, नहीं तो इतने साधु संतों को गोली नहीं मारी जाती। क्या अखिलेश जी के इशारे पे कह रहे हैं क्या? अरे नहीं तो अखिलेश जी इनको कहाँ रखे हैं, अखिलेश जी इनको निकाल दिए होते। बोला जाता है इनका, ये मौर्या जी हैं सीधे आदमी, इनके लगा तो कि बहुत बड़का आदमी बन जाए हेडलाइन लेके। आजकल यही होता है ना कि बोलो, विरोध करो और हेडलाइन लो, आधे दिन की हेडलाइन मिलती है 2-4 घंटे में, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पब्लिक शाम को भूल भी जाती है। अखिलेश जी कहा रहा है, देखिए भैया कंधा तो नहीं कहा ना भाई नेता के। आज मैं जो भी बोलूंगा तो मैं अपनी पार्टी लाइन की बात करूंगा, तो मतलब उनके पार्टी की लाइन यही है। मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो मेरे आला कमान हमको अभी हड़का देंगे फोन करके, ये क्या बोल रहे हो, पार्टी के विरुद्ध बोल रहे हो क्या आप? लेकिन इनकी पार्टी लाइन, इनकी पार्टी की सोच है, इनकी सोच हिंदू विरोधी है, इनकी सोच राम विरोधी रही। नहीं तो गोलियां, नहीं तो पहले ही सोच लीजिए, ये मंदिर पहले बनना चाहिए था, कहीं नहीं बना। इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, क्यों
डबल इंजन की सरकार बनाई, क्यों मोदी योगी के कुल में बोला, क्यों प्रभु राम ने अपना भक्त चुना मोदी। प्रभु राम को भी मालूम था कि कैसे भक्त को चुनना है। कहते हैं ना, भक्त भगवान को नहीं चुनता, भगवान भक्त को चुनता है। भगवान ने निस्वार्थ संत मोदी जी को चुना। 11 दिन का कठोर तप किए, ये लोग देखिए, इन लोगों का अभी भी भगवान बुद्धि दे। मोदी जी से आप नफरत करिए, चलिए मैं जानता हूँ विरोधी हैं, आप करिए। भाजपा को देख के कमल को आपको मिर्गी आती, कमल का फूल देखते आप लोग नाचने लगते हो, ठीक है चलो वो मान। प्रभु राम ने आपका क्या बिगाड़ा था? प्रभु राम ने या हिंदुओं ने या सनातन धर्म ने? अरे वो चरित्र थे राम, वो चरित्र देखिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम 5000 साल बाद भी पूजे जा रहे हैं, आपके 5 घंटा बाद क्यों नहीं पूजी। भारत सरकार द्वारा गुम व खोए हुए मोबाइल टैबलेट की रिकवरी हेतु सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल की सहायता से जनपद गोरखपुर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम व खोए हुए मोबाइल फोन के संबंध में अलग अलग थानों के पोर्टल पर सूचना प्राप्त हुई थी। थानों पर CCTMS कार्यालय में नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा पोर्टल पर प्राप्त ट्रैकेबिलिटी डिटेल के आधार पर खोए हुए मोबाइल फोन, उनकी लोकेशन के आधार पर 51 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई द्वारा मोबाइल फोन के स्वामियों को उनके फोन सकुशल सुपुर्द किए गए, जिसमें शाहपुर थाना क्षेत्र में 19, गुलरिया थाना क्षेत्र में 5, कैंट थाना क्षेत्र में 5, कैंपियनगंज थाना क्षेत्र में 4, गगन थाना क्षेत्र में 4, बेलघाट थाना क्षेत्र में 4, तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 2, थाना एम्स में 2, थाना सिकरीगंज में 2, थाना चिलुआताल में 1, थाना गीडा में 1, थाना हरपुर बुधाट में 1 व थाना रामगढ़ ताल से 1 मोबाइल फोन जो गुम या खोए हुए थे उन्हें बरामद किया गया है। सभी कंप्यूटर ऑपरेटर भी आ जाइए भाई, आप ज्यादा नहीं हो जाएंगे, आप लोग सभी लोग खोले ही पड़े सर। हां जो निका भी टीम है सर, वो जाए तो सर। मुस्कुराइए भैया, मुस्कुराओ यार, मोबाइल मिला है। हाँ सारे हैप्पी फेसेज होने चाहिए, यानी ये हैप्पी टाइम है और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से लोगों की मदद होती रहे और आप लोग भी इसका मैसेज जो है सभी लोगों के साथ शेयर करिए, स्प्रेड करिए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक CEIR पोर्टल जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है उसका एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी, जो कि हमारे CCTMS ऑपरेटर्स जो हर थाने पे हैं उनके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। इस फैसिलिटी में अगर आपका कोई भी मोबाइल टैबलेट या कोई ऐसी चीज़ जिसका IMEI नंबर है और वो अगर खो जाती है, उसमें अगर मोबाइल सिम डलती है, तो इस इक्विपमेंट को आप रजिस्टर करा सकते हैं CIR पोर्टल पे। रजिस्टर कराने के बाद में कोई भी व्यक्ति अगर उस खोई हुई चीज़ को यूज़ करता है तो पुलिस थाने को तुरंत सूचना मिल जाती है, उसके बाद में पुलिस एक्टिव होकर उसको रिकवर करती है। इस तरीके से आज टोटल करीबन 51 फ़ोन जो सब लोगों के फ़ोन खोए थे या छीने गए थे या फिर गिर गए थे या चोरी हो गए थे, उन सब फ़ोनों को रिकवर करके इन लोगों को वापस दिया गया है। इनकी फ़ोन की करीबन कुछ कीमत जो है वो 9,49,000 9,50,000 रुपए की कीमत के ये जो फ़ोन है ये सब लोगों को वापस रिटर्न कराए गए हैं। मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि CEIR पोर्टल का भरपूर प्रयोग करें और ये एक तरीके से एक्टिव पुलिसिंग और पॉजिटिव और ऑनेस्टी के साथ में काम करने वाली गोरखपुर पुलिस की भी एक इमेज को भी दिखाता है कि किस तरीके से इन सब लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि इनके फ़ोन रिकवर हो गए हैं, लेकिन इन लोगों के फ़ोन रिकवर करके बिना इन लोगों द्वारा परस्यू किए हुए रिकवर करने के बाद में इन लोगों को इन्फॉर्म किया गया और आज इन सब लोगों को फ़ोन हैंड ओवर किया गया। सर जो पोर्टल है उस पर क्या खोया पाया मोबाइल डालना है या कोई अपराधी अगर मोबाइल को छीन लेता है उसकी भी जानकारी उस पर देनी चाहिए? किसी भी प्रकार की सूचना है अगर आपका फ़ोन है अगर वो खोया है तो या छीना गया है किसी भी स्थिति में आपसे अगर कोई चीज़ खो गई है आप उसको वापस पाना चाहते हैं पुलिस की सहायता से तो CER पोर्टल। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विकास भवन परिषद में छोटी छोटी बालिकाओं के साथ सांसद रविकिशन शुक्ला ने केक काटकर बालिकाओं को बालिका दिवस की बधाई दी। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ भी किया। भाई बालिका दिवस की बहुत शुभकामनाएं, नारी सशक्तिकरण आप लोगों को, हम आप लोगों को खिलाते हैं। वाह ये तो बहुत टेस्टी है, तो बहुत मीठा है। बाकी भी केक खा ले, ये गिफ्ट है आपको हिमालय की तरफ से, ये गिफ्ट ये पकड़ो, इसमें है क्रीम बा, इसमें बेबी लोशन बा,
जाड़ा में तो हर अगर इसी के आपके बाद कपड़ा भी किया ले जाओ ये माई के बढ़िया बेबी लोशन कपड़ा लिखा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गोरखपुर में है हिमालय दे रहा है और ये कौन दे रहा है चलिए आप लोग थैंक यू बेटा पकड़ो इसे पकड़ा सर देखिएगा सर 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 वेरी नाइस दिस इज फॉर यू इधर 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 इसको थोड़ा सा चॉकलेट खिलाए सर सर ये बहुत बड़ा है सर छोटा सा उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया अच्छा जान सर हेलो 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 इस संबंध में मीडिया कर्मी से बात करते हुए सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है मेरी तीन बेटियां हैं मैं सभी लोगों को कहूंगा जिनकी भी बेटी हैं गर्व करें मैं तीन बेटियों का पिता के रूप में मुझे बहुत गर्व है क्योंकि मेरी सारी बेटियां अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रही हैं मेरी एक बेटी फौज में है एक बेटी सिनेमा में है एक बेटी प्रोड्यूसर है शेयर मार्केट करती है और सब उम्र उनकी सबकी बहुत छोटी है इतने कम उम्र में उन्होंने अपने पैर पे खड़े हो गए मैं मुझे सेवा करने के लिए मेरी सारी जिम्मेदारियों को मेरी बेटियों ने संभाल लिया और मैं आप लोगों के बीच में घूमता रहता हूँ गोरखपुर में तो मैं अपनी उन बेटियों को प्रणाम उन सारी बेटियों को प्रणाम और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने ये नारा दिया इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आज बेटी जकरे भी घर पैदा होला वो पिता वो माता में खुशहाली होला जहाँ पे हम 2014 के पहले बेटियाँ लोग पैदा होते रहें तो सर अरे अब तो बर्बादी हुई कहें कि अभी भारतीय जनता पार्टी बेटियाँ पैदा हो से लेकर कर ब्याहे तक उसकी पढ़ाई से लेकर सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेती है तो बेटी पैदा होती तो आपकी चिंता सारी मुक्त हैं क्योंकि सरकार आपकी बेटी की चिंता करती है वो हमारी बेटी है तो आप लोग गर्व करें अपनी बेटी को पढ़ाएं बाकी नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है विकास भवन सभागार में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला वाहन यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में 108 व एनएचआई द्वारा संचालित एम्बुलेंस जो गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए चिकित्सालय ले जाती है उनके मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई अवरुद्ध ना हो इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई साथ ही मरीज को ले जाते समय उनके मार्ग पर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो इसको लेकर रूपरेखा पर विचार विमर्श भी किया गया कितना है सर पिछली एक जो आपकी ऐप नहीं आप परिवहन विभाग में भिजवा दीजिएगा आप ये दीजिए उसका रिस्पांस टाइम क्या है वो एक जो यूनिट है सर वो 20 किलोमीटर सेंटर पॉइंट से 20 किलोमीटर बोथ साइड कवर करता है एक बार जो यूनिट है वो कई यूनिट है आपके यहाँ पे वही है तो प्रत्येक टोल पे बता रहे हैं आप एक का बता रहे हैं तो उसको देख लीजिए क्या स्थिति है प्रत्येक टोल पे अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन हाय मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन मैं हूं दिव्या दत्त हेलो गाइस मैं दिलजीत दोसांझ आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल हेलो एवरीबॉडी मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन हाय मनमीत हाय मनमीत विद मी ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आइए देखते हैं दिन भर परिवहन विभाग द्वारा अयोध्या मार्ग पर जाने वाले बसों का रूट डायवर्जन किया गया है बता दें कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए अयोध्या प्रशासन व यातायात विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में गोरखपुर डिपो से जाने वाली बसों का भी रूट डायवर्जन किया जा रहा है
वहीं जिन यात्रियों को अयोध्या से आगे की यात्रा करनी है उन्हें भी रूट डायवर्जन के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया। देखिए जो बसें हम लोग की अयोध्या जा रही हैं हमारी तो पूरी जो हम लोगों ने संचालन व्यवस्था बना रखी थी उसके अनुरूप ही संचालन कर रहे हैं। जिला प्रशासन अयोध्या और जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसको भी हम लोग को फॉलो कर रहे हैं। उसमें हुआ ये है कि चूँकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा कल थी तो हमारी बसेस डाइवर्ट कर दी गई थी। आज सुबह भी कुछ बसेस डाइवर्ट हुई हैं तो हम लोग जो अयोध्या हो के आगे जो यात्री जा रहे हैं उनको हम डाइवर्टेड रूट से ले जा रहे हैं। जैसे ही जिला प्रशासन से हमें अनुमति मिल जाएगी कि अयोध्या के लिए बसें संचालित करनी है हम लोग संचालित करेंगे। नगर निगम प्रशासन जनपद में नगर निगम की संपत्तियों पर हुए अवैध अतिक्रमण व कब्जे के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में बुधवार को अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में घोष कंपनी चौराहे पर स्थित नगर निगम की करोड़ों की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण व कब्जे को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया। यह अभियान निरंतर आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया। ये अभियान जो है अतिक्रमण और अवैध कब्जे का भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि घोष कंपनी चौराहे के पास ये जो जमीन है नगर निगम की संपत्ति है जो कि 46 डिसमिल 9 कड़ी जमीन है जिस पर काफ़ी समय से लोगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जे किए गए थे और उनका व्यावसायिक उपयोग अवैध तरीके से किया जा गया था। नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार का इनका आवंटन नहीं किया गया है। आज इसी क्रम में सभी नगर निगम की पूरी टीम पुलिस प्रशासन की टीम के साथ आज इसमें अवैध कब्जे को हटाया गया है। जैसा कि ये भी देखा गया था कि जितने भी इसमें निर्माण थे सब अर्ध पक्के थे और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे और किसी भी प्रकार अगर ये जनहानि हो सकती थी इसको भी देखते हुए हम लोगों ने एक रिपोर्ट मंगाई थी अभियंता से और इसमें पाया गया कि जितने भी इसमें मकान हैं दुकानें हैं सब टीन सेट पे हैं, पक्की मिट्टी से बनी हुई हैं। अगर ये गिरती तो इनको नुकसान होता। इसी क्रम में नगर निगम के एक्ट के तहत इन जो भी आज हटाया गया है जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी इसलिए कारण हटाया गया है। इसकी ज़मीन की हमारी कीमत भी इसकी लगभग 46 करोड़ रुपए है और जिस ये अभियान ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि ये हमेशा कई महीनों से चला आ रहा है। जहाँ भी अतिक्रमण हो या कब्जा हो उसको हमारी पूरी टीम लगातार हटा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे में लगातार विलंब से आ रही ट्रेनों से यात्रियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा शीतलहर के मौसम में पूर्व ही तैयारी की जाती है जिससे ट्रेनों का सुरक्षित व संरक्षित संचालन निर्बाध रूप से जारी रखा जा सके, जिसको लेकर रेलवे द्वारा नाइट पेट्रोलिंग, सुरक्षा से जुड़े हुए स्टाफों की काउंसलिंग, इंजनों का इन्फेक्शन आदि का कार्य किया जाता है। साथ ही पैसेंजर, मेल व मालगाड़ी ट्रेनों की फॉग सेफ्टी डिवाइस भी लगाई जाती है जिससे सिग्नल कितनी दूरी पर है इसकी जानकारी लोको पायलट को समय से हो जाती है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया। विंटर सीजन के लिए रेलवे पहले से ही तैयारी करता है और इसके लिए कई महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो अपनाई जाती हैं। जैसे कि विंटर में सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि ट्रेनों का सुरक्षित एवं संरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। तो इसके लिए रेलवे नाइट पेट्रोलिंग कराती है, उसके लिए पेट्रोल चार्ट इशू होते हैं, जो हमारे संरक्षा से जुड़े स्टाफ हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है और नाइट पेट्रोलिंग की मॉनिटरिंग के लिए
जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो नाइट फुट प्लेट करते हैं, इंजन में जाकर इंस्पेक्शन होता है, स्टेशनों पर और लेवल क्रॉसिंग गेटों पर वहाँ जाकर नाइट इंस्पेक्शन किया जाता है, और साथ ही साथ जो भी लोको पायलट हैं, गार्ड हैं, जो इस संरक्षा से जुड़े लोग हैं, उन सभी को काउंसलिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त ये जो पूरा पूर्वोत्तर रेलवे का क्षेत्र है, यहाँ फॉग पड़ता है हर साल, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सभी ट्रेनों में, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, मेल एक्सप्रेस हो या फिर मालगाड़ियाँ हो, सभी जगह हम लोगों ने फॉग सेफ डिवाइस लगाया हुआ है, सभी ट्रेनों में दिया हुआ है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि एक तो रिलायबिलिटी बढ़ी है, जैसे फॉग में विजिबिलिटी की समस्या आती है, दृश्यता कम हो जाती है, तो ऐसे में सिग्नल दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब मैनुअल सिस्टम था तो लोको पायलट को पता नहीं चलता था, स्टेशनों पे फॉग सिग्नल मैन पोस्ट हुआ करते थे और डेटोनेटर के माध्यम से उनको पता चलता था, तो बहुत ही स्लो स्पीड में ट्रेनें चलती थी। लेकिन अभी फॉग सेफ डिवाइस आ जाने के बाद कम से कम ये रिलायबिलिटी है कि सिग्नल कितनी दूरी पर है, उस डिवाइस के माध्यम से लोको पायलट को पता चल जाता है, तो अकॉर्डिंगली वो अपना ब्रेक लगाते हैं। अगर उनको पता चल गया कि सिग्नल अब यहाँ से दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, तो स्पीड रिड्यूस करते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जब ये डिवाइस नहीं अवेलेबल था तो अधिकतम जो परमिटेड स्पीड थी वो उस समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन इस डिवाइस के साथ वो अधिकतम परमिटेड स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो इससे लगभग 20% का इजाफा हुआ है अगर स्पीड में देखा जाए पहले की तुलना में और अभी में, तो उससे जो ट्रेनें हैं वो लगातार हम लोग चला पा रहे हैं। इस फॉग में भी हमारी ट्रेनें लगातार चल रही हैं जिससे यात्रियों की को कोई असुविधा ना हो। दूसरी चीज़ जो इसमें है कि जो ट्रेनें अगर कोई लेट भी हो रही हैं तो जो ओरिजिनेटिंग ट्रेनें हैं जो यहाँ से चलती हैं उसको दूसरे रेक के माध्यम से ओरिजिनेट भी किया जा रहा है, और पिछले सालों की तुलना में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। इतने फॉग के बाद भी हम लोग सभी जो महत्वपूर्ण और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं सभी चल रही हैं, और स्टेशनों पर जो वेटिंग हॉल हैं उनको प्रॉपरली क्लोज किया गया है, सील किया गया है, जिससे यात्रियों को वेटिंग टाइम में कोई असुविधा ना हो। और ट्रेनों का अगर कहीं कोई डिले है या कोई डाइवर्जन रहता है तो उसके लिए भी यात्रियों को मैसेज के माध्यम से भी सूचित किया जाता है, और नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पे जाकर यात्री रियल टाइम पोजीशन ट्रेन की ले सकते हैं, तो इससे उनको किसी प्रकार की असुविधा रेल यात्रा में नहीं होगी। राहुल गांधी की असम में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सांसद रविकिशन शुक्ला ने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा है कि पुलिस की टांग तोड़ यात्रा। इसको मारा जा रहा है, मतलब आप लोग पद यात्रा पे निकले कि पुलिस को मारने निकले? आप वहाँ पुलिस को मार के सबकी टांग तोड़ दी आप लोग। आप लोग कैसे आप पद यात्रा, मतलब आप लोग तो भारत जोड़ो यात्रा था, आप तो पुलिस की टांग तोड़ो यात्रा पर निकले। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्वानुमान के अनुसार जनपद में लगातार शीतलहर बना हुआ है जिससे विजिबिलिटी काफी कम हुई है। चल रही पछुआ हवाओं से न्यूनतम तापमान के गिरने का दौर भी जारी है, वहीं ठंड व गलन से लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में अपने आप को गर्म रखने के लिए लोग अलाव व गर्म वस्त्रों का सहारा ले रहे हैं। दिन में आसमान खुलने से रात्रिकालीन विकिरण शीतलन में वृद्धि होने व निचले क्षोभ मंडल में प्रचलित सर्द उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। इसके साथ ही हवा की धीमी रफ्तार, नमी की प्रचुरता व काफ़ी ऊंचाई तक विस्तृत निम्न वायुमंडलीय स्थिरता के प्रभाव में घने से अधिक घने कोहरे का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है। दिन भर में बस नहीं, आई नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सदर सांसद ने विकास भवन परिसर में उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति विरासत का फीता काट कर किया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अधिक से अधिक युवाओं को करेंगे जागरूक।
स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर सदर सांसद ने कहा, पागल हो गए, बड़का इंजेक्शन लगवाने की है जरूरत। जनपद पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में गुम या खोए हुए 51 एंड्रॉइड मोबाइल फोन को सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड पोर्टल की सहायता से किया गया बरामद। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सदर सांसद ने केक काटकर बालिकाओं को दी बधाई। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में जिला सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न। क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी जानकारी, कहा अयोध्या जाने वाली बसों का किया जा रहा रूट डायवर्जन। अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित नगर निगम की करोड़ों की जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। भारत जोड़ो यात्रा पर सदर सांसद ने कहा कि यह पुलिस की टांग तोड़ यात्रा। सीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा फॉग सेफ्टी डिवाइस के माध्यम से पैसेंजर्स मेल व मालगाड़ी ट्रेनों का किया जा रहा संचालन। और शीतलहर के बीच विजिबिलिटी हुई कम, गलन व ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।